कपड़े निकाले, भागो भागो यार हम बहुत लेट हो गए। गुट ते पे जांदा तेरा करदा कमाल। इतना तैयार शियार, ये किसकी शादी पे जा रही है? हमारी तो हो गई शादी। यूनिवर्सिटी से एंड मेरी दोनों फ्रेंड्स मेरे साथ आई हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शादी पर। हमारी एक और फ्रेंड है, उसकी शादी पर ढोलकी आ रही है। सारी यहाँ से कपड़े लेकर मेरे घर आई हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ से रेडी होना है और हम लोग रेडी होकर जाएंगे फिर फुल तैयार शार होकर। मम्मा नहीं, लोग रेडी होने आई है, फिर हम रेडी होकर जाएंगे शादी पे और मुझे कपड़े निकाल दे। मैंने पता ही नहीं मुझे मैंने पहनना क्या है, तो मम्मा भी मुझे कपड़े वगैरह निकाल कर देंगे। वो कपड़े लेके आई है, तेरे कपड़े का है। मम्मा मैंने कुछ नहीं निकाला, प्लीज मुझे जल्दी कपड़े निकाल दे, प्लीज जल्दी आ जाओ आप। ऊपर ऊपर मिलेंगे कपड़े, पता नहीं पहले यहाँ से निकालते हैं। आ जाओ। सो गाइस ये पहन रही है और ये पहन रही है और हीरा भी आज हीरा भी पता क्या लग रही है, वैसे भी और वो भी वो नहीं होती है टर्किश ड्रामा से। हाँ वो लग रही है, वो लग रही है ये इसने ना टर्की में ट्रिप पे भी पहना तो बहुत फनी लग रही थी। मम्मा जल्दी प्लीज जल्दी ऊपर आ जाए, मुझे कपड़े जल्दी जल्दी मेरे कपड़े अभी तक मैं निकाले, सब कुछ समझ जाए जल्दी से हमें कपड़े निकाले। मम्मा भागो भागो यार हम बहुत लेट हो गए, जल्दी करो। मम्मा हो चुकी है इस टाइम परेशान, राबिया को क्या निकाल कर दे, हम लोग कहाँ से कपड़े 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 ये पहन लेती हूँ। मम्मा ऊपर चढ़ चुकी है इस टाइम पे। मम्मा खोलो, मैं निकाल दी है, देखो इसके अंदर कुछ हमें मिलेगा, कुछ राबिया के लिए कुछ तो मिलेगा। ओ फाइनली गाइस इतना ढूंढने के बाद मम्मा ने ये वाला मुझे ढूंढ कर दिया विद दिस शर्ट। है क्या ढोलकी, मेहंदी की बारात, हमारा मेहंदी टाइप थीम है तो डांसेस वगैरह भी होने हैं। और नहीं मैं ज्यादा देख रही, भागो यार। मैंने ये अपनी किसी अपनी फ्रेंड्स को दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है पहनने के लिए, अगर तो ये अच्छा लग रहा है तो फिर यही पहन लेते। मुझे बस ये है कि ठंड है थोड़ी तो सर्दी ना लगे मुझे स्लीवलेस में, तो देखते हैं। फिर आप भी बता दें ये कैसा है, ये पहन लो। आपका कब है, सबका है तो सबका है। आत्मा बताना ये वाला पहन लो। ठीक है फिर यही पहनूंगा, अगर उसने कह दिया तो फिर यही पहनूंगा। अपनी दोस्तों से पूछ कर आती हूँ हर जो। तो यार मेरी फ्रेंड भी कह रही है कि ये सबसे बेस्ट है, तो इसके साथ हम लोग जो है ना कोई दुपट्टा मैच कर लेते हैं फटाफट से। इसके साथ यार दुपट्टा खींचो। तो गाइस मुझे दो दुपट्टे मिले, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं ड्रेस पहन के देखती हूँ फिर देखते हैं कि मेरे साथ कौन सा जाना है। हाँ ये भी है ना, कपड़े पहन कर आती हूँ फिर जो भी मेरे साथ दिया वो पहन लेंगे। ठीक है और गाइस सब मैं लगी रेडी, सब मिलते हैं आप लोगों से रेडी होने के बाद। और गाइस फाइनली मेरा मेकअप डन हो गया, बट अभी मैंने हमने कपड़े पहने, बहुत कुछ करना है। बट हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचना था 7 बजे और अभी टाइम क्या हो रहा है मुँह से बोलो कि 8 बज रहे हैं, मतलब हम इतना लेट हो गए। ये तैयार हो गए अभी रापी से, ये अपना मेकअप ठीक करवाने जा रही है। आओ प्रो सैलून वाले के पास चलते हैं, मेकअप आर्टिस्ट के पास जो हमारा मेकअप ठीक करेगी। तो ये आई है रापी से मेकअप करवाने, बट हीरो यहाँ पे सो रही है। हमारी मेकअप आर्टिस्ट सो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो, उसको सोने दो। ओए उसका मेकअप ना चुराओ मारेगी। हीरा भी आपसे मेकअप करवाने आई है अपना, उसका मेकअप खराब हो गया। मुझे अपने मेकअप में ऐसा लगा मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेकअप का बहुत खराब लग रहा है। मेरा भी कुछ ठीक कर दो यार। हीरा भी नींद में, हमारी मेकअप आर्टिस्ट नींद में है इस टाइम गाइस। ये ज़ैनब फोन छोड़ो, बाल बनाओ। जी जल्दी डस्टबिन में जाएगा, मुझे बालों का हेयर स्टाइल दिखाते वैसा बता दूंगी। मैं यहाँ पे इतनी बड़ी हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। ये छोटी मोटी को देख रहे सारे, अपने इनके बाल खराब करोगी जरा। तो लोग कह रही है इस पे ट्रस्ट ना करो, ये बाल खराब करेगी। मैं बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट गुत्ती बना रही है हीरा पे फातिमा। हम चुटिया कहते ना, कहती बस गुत्ती बना मैं तो पहचान खुद ही बनाऊंगी। हाँ उसकी गुत करो गाँव वाले करदा कमाल। ज़ैनब ना नॉर्मल रूटीन में हमारे पास आती है कि हम मुझे अपना हेयर स्टाइल बनाने दो, हम कहते हैं नहीं तो हमारे बाल तोड़ दोगे। और आज ये लड़की अपने बाल खुद खराब करवाने आई है इससे। ज़ैनब तुम इसका बालों का मुझे पता है फुल बेड़ा गर्क करने वाली हो, देख लेते हैं चुटिया बनाती है या फिर घोंसला बनाती है, लेट्स सी। तो यार हम लोग नीचे आ गए थे एंड ज़ैनब नॉट बैड यार, बच्ची सीख गई है मुझसे, वेरी गुड वेरी गुड। और गाइस सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और ये हमारे दो गेस्ट भी आ गए हैं यहाँ पर। गाइस आप लोग आए हो बट मैं जा रही हूँ। इतना तैयार शियार, ये किसकी शादी पे जा रही है? हमारी तो हो गई शादी। मैं अपनी दोस्त की शादी पे जा रही हूँ, दोस्त की भाई की शादी है। और इसको तो देखे पंजाबी कुड़ी को। और गाइस बाय, मैं वापस आऊंगी 12 बजे। बाय। चलो यार चलते हैं, आपको अपने फुल लुक जो है ना बाद में दिखा दूं क्योंकि हम लोग बहुत लेट। कुछ भूल रही हो ना मैं, बैग
तो ये लोग गाड़ी में ऑलरेडी बैठ गए, मेरी जगह ही नहीं बचाई तुम लोगों ने, मैं उस साइड से आती हूँ, चलिए इधर ही बैठ जाती हूँ जल्दी जल्दी। ओके गाइस, सो हम लोग रेडी हो चुकी हैं फॉर शादी और ढोलक ढोलक क्या, तो अब जाएंगे जाके जा रहे हैं और जाके पिन जा रहे हैं हम लोग। और गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, अब अंदर जाके देखते हैं, अभी मजा आने वाला है, अभी जाते हैं क्योंकि हम बहुत लेट आए हैं ऑलरेडी, सो लेट्स सी। और गाइस, तो आते साथ ही ये दोनों लड़कियां फिर से वॉशरूम में आके रेडी होने लग गई हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग फिर से अब जा रहे हैं बाहर, डांस वांस करते हैं और फन करते हैं। और गाइस, सो हमारे डांस स्टार्ट होने वाले हैं एंड वी आर वेरी नर्वस। ये कुछ डांस नहीं करी है, बस हमें देखेगी। आई हैव फोन ड्यूटी। हाँ, ये हमारे फोन रखेगी, ये लो, ये सब कुछ तुम रख लो। और हम लोग जो अब जाके डांस करने लगे हैं बुशा की शादी पे। चलो खाने में डिफरेंट किस्म के डिजर्ट्स पड़े हुए हैं, ये भी चीज केक है शायद, ये बर्फी शर्फी पड़ी हुई है और ये लोग गौर से देखेंगे शायद हम लोग खा लें, बट हमें पहले खाना खाना है फिर हम बाकी खाना खाएंगे। और क्या खाने में है, नान ये है, कबाब शबाब है, ये लोग थप्पड़ मारी जा रही है से, अब ये लोग खाने में टूट पड़ी है लड़कियाँ। क्या खाने खाना, नान नहीं है, इडली डाल दें, नहीं सारी मेरी दोस्त है, बस खाना ही तो खाने आई है शादी में, और क्या करने आई है, बदतमीज यार। देखो शादी का मेन काम होता है खाना और कुछ नहीं होता, ये होती है नॉर्मल लोगों की प्लेट, ये भी नॉर्मल की, और ये होती है जो सिर्फ खाना खाने आते हैं, मेरी प्लेट देखो। और गाइस, यहाँ पे स्टार्ट होने लगी है कवाली, अभी यहाँ पे सबने बैठना कवाली सुनते हैं, कवाली सुनने के बाद खान साहब ने बैठना, कवाली सुनने के बाद ही जाएंगे हम लोग यहाँ से। ओके गाइस, फाइनली हमारा इवेंट खत्म होता है, अब चलते हैं घर, क्योंकि इस टाइम 12 बज चुके हैं, अभी तक इवेंट चल रहा है, मैं जितना हिसाब लगाया था उतना ही लेट हुआ है, 12 बज चुके हैं, अब निकलते हैं घर, चलते हैं घर, जाके भी मैंने बड़े काम करने हैं, बल्कि सोना ही है। ओके गाइस, सो फाइनली मैं घर आ गई हूँ और बहुत फन किया हमने, और ये लड़कियां यहाँ पे एज यूजुअल वीडियोस बना रही हैं, शर्म नहीं आती। अच्छी थी, मजा आया, खाना पीना खाया, डांस किया, डांस में सारा भूल गई, एज यूजुअल सब भूल गई, ऐसे थी मैं ऐसे, और एक टाइम पे ऐसे था मेरा दुपट्टा साइड पे था, यहाँ से उतर गया मैं, ऐसे थी मैं, बड़ा शर्मिंदगी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। थैंक्स गाइस, और खाना शाना भी खा लिया, तो तुम लोगों से बात नहीं करी पाए। ओके यार, सो मैंने किसी को अपनी फुल लुक नहीं दिखाई थी, तो एक दफा हिरापी मेरी फुल लुक दिखाऊंगी लोगों को प्लीज, क्योंकि मैंने पूरे ब्लॉग में फुल लुक, तो ये थी मेरी फुल लुक। अब मैं अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ हिरापी को एंड जैनब को, कुछ ये हम तीनों बिंदिया है झुमके पहन कर ना फुल रेडी हो गए कि आज का उसने बोला था थीम ही है, ठीक है, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे, वहां पे देखा किसी ने थीम फॉलो ही नहीं किया, आधी लड़कियों ने वो फ्रॉक और सिंपल से सब तैयार हुए हुए और कोई बिंदिया नहीं, हम वहां पे ऐसे अब्दुल्ला नहीं शादी में, हम तीनों ऐसे ये क्या हो गया हमारे साथ, नहीं लेकिन हम बहुत ओवर ढोल की, सब इतना कम, जो उनकी बहने जैसी वो भी इतना कम और हम फुल ओवर। हमने फिर क्या किया वहां पे, हमने अपनी बिंदियां उतार के बैग में और फिर ऐसे घूमे यूं करके, इतनी वो फील, ऐसा लगा था हम अब्दुल्ला नहीं शादी में, अब्दुल्ला थी, और मजे की बात दूल्हे का नाम भी अब्दुल्ला था। मैं तो ये कहूँ की अब्दुल्ला की शादी में राबिया दीवानी, और शुक्र करो, और शुक्र करो इतना तैयार देखे ना तुम लोग, बाहर ही निकाल दिया कि हम तैयार होके आ गए। हम लोग वहाँ पे ये एक्सपेक्ट करो कि जो दुल्हन जो थी ना वो भी इतना तैयार नहीं हुई थी, वो भी नॉर्मल से तैयार हुई थी, इससे हमने कहा राबिया ये क्या है, उतारो जल्दी उतारो, तुम मेरी वहाँ नाक कटवाने गई थी, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ज्यादा खुशियाँ चढ़ी हुई थी किस चीज की, उन्होंने हमें बोला था बिंदिया लगा के, वहाँ पे किसी ने बिंदिया ही लगाई थी, इतनी बेइज्जती हुई, पास
रूम में आई है रॉपी, डबल टेप है, आईलैशेस ग्लू है, मुझे मेरी बिंदिया सेट के लिए डांस करूंगी ना तो हिल जाएगी। अच्छा हुआ हिल ही गई, वो उतार ही दी तुम। पता है मेरे साथ क्या मैं डांस कर रही, डांस मेरा दुपट्टा यहाँ से नीचे, मैं ऐसी मेरी हालत थी, बुरी हालत हुई थी ना। खैर शादियों में यही है तो अभी उनके निकाह पे भी जाना है। निकाह कब है? अभी निकाह तो निकल किसी और शादी पे भी जाना है। शादी है शादियां ही जा रही हैं, जो लोग शादियां डालते हैं भाई तुम लोगों की मौजे हैं। कोई बात नहीं गाइस, हम लोग अभी निकाह पे जा रहे हैं। निकाह का ड्रेस आप लोग मेरे लिए बताएं कैसा पहनूं मैं, क्या लुक क्रिएट करूं। लगा तुम कह रही हो तो गाइस निकाह का ड्रेस मेरे लिए आप लोग भेजेंगे। भेज ना दे, भेज दो गाइस, आप लोग ही भेज दो, मुझे निकाह पे ले जाओ। चलो ठीक है जैनब, हम निकाह पे ले जाएंगे। क्या याद करेगी, सब कमेंट में कहेंगे कि जैनब को निकाह पे लेके जाओ, तभी लेके जाऊंगी बस। और वो ये किराबिया निकाह पे तैयार होके गई है नॉर्मल सा, और वहाँ सब ओवर तैयार होके आए नहीं। अब मैं पता क्या करूंगी, पहले वहाँ इवेंट की वीडियो मंगवाऊंगी और फिर तैयार होना स्टार्ट करूंगी। इवेंट की वीडियो के लोगों की वीडियो, लोगों की वीडियो, और क्या पता तब तक वो गेस्ट आए ना हो, ये सोचने की बात है। लेकिन मेरे बाद नींद आ गया गाइस और हम थक गए हैं। गाइस जैनब का एक मैसेज सुन ले प्लीज आप लोग, प्लीज सारे कमेंट में को जैनब निकाह, जैनब निकाह, जैनब निकाह, ठीक है प्लीज सारे कमेंट में को जैनब नो निकाह, जैनब नो निकाह, चल जा छुट्टी कर। और गाइस होप सो कि आप लोग का व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड वेट फॉर माय निकाह लुक। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। एंड जैनब के लिए बिल्कुल कमेंट ना करें।